हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर फोर, जिसका नेम है स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, आसपास की जो वस्तु होती है ना, उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? ए सब्सटेंस विच यूज टू मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेकिंग करता है ना, वो क्या होता है? मटेरियल। मटेरियल के कितने टाइप होते हैं? मटेरियल के टू टाइप होते हैं। कौन कौन से? नेचुरली ऑक्यूरिंग इज नेचर, और सेकंड होता है, वो होता है मैन मेड मटेरियल। तो नेचुरली ऑक्यूरिंग इज नेचर का एग्जांपल क्या है? वुड, कॉटन, जूट। वुड को अपन क्या हाथों से थोड़ी बनाते हैं? जिनको अपन हाथों से नहीं बनाते ना, उसको क्या कहते हैं? नेचुरली ऑक्यूरिंग इज नेचर। सिल्क को भी नहीं बनाते अपन, सैंड को हाथों से नहीं बनाते ना। मड, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड सीरियल एक्सेट्रा, जो चीज अपन हाथों से नहीं बनाते, उसको क्या कहते हैं? नेचुरली ऑक्यूरिंग इज नेचर। अब हम बात करते हैं मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल कौन सा होता है? द मटेरियल विच आर मेड बाई कॉम्बिंग टू और मोर नेचर मटेरियल। जिस चीज़ को अपन हाथ से बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक को अपन हैंड से बनाते हैं ना, तो ये क्या है? मैन मेड मटेरियल। ग्लास को भी अपन हैंड से बनाते हैं, स्टील, नाइलॉन एक्सेट्रा, इनको अपन क्या हैंड से बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड मटेरियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कौन कौन सी है? एक तो हार्ड है, जो चीज़ हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती। जैसे जो वुड नहीं होता, वुड क्या होता है? हार्ड होता है ना, तो उसको कहते हैं हार्ड। और जो सॉफ्ट होता है, जैसे कोई कपड़ा होता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है ना, तो उसको कहते हैं अपन हार्ड एंड सॉफ्ट। अब बात सेकंड है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो होता है जो घुल जाता है, इनसोल्यूबल जो नहीं घुलता। और लस्टर, ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से दिखता है, ट्रांसलेंट जिसके अंदर से दिखता है लेकिन धुंधला धुंधला, जैसे पेपर में से दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है ना। फिर बात करते हैं ओपीक्यू की। ओपीक्यू जिसके अंदर से कुछ नहीं दिखता। अब हम पढ़ेंगे हार्ड के बारे में। हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? ए मटेरियल विच इज नॉट कंप्रेसिबल, एक ऐसा मटेरियल जो दबता नहीं है। कंप्रेसिबल मतलब जो दबता नहीं है, नॉट कंप्रेसिबल। एंड हैव फिक्स्ड शेप, उसकी वही शेप रहती है, इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल। वो क्या कहलाता है? हार्ड मटेरियल। जैसे कि स्टोन, मेटल एक्सेट्रा। स्टोन क्या होता है? हार्ड होता है ना, मेटल भी हार्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है? हार्ड मटेरियल। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट की, सॉफ्ट मटेरियल की। ए मटेरियल दैट कैन बी कंप्रोस्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल, जो आराम से दब जाता है, वो कौन सा मटेरियल कहलाता है? वो सॉफ्ट मटेरियल कहलाता है। जैसे लिक्विड, लिक्विड सॉफ्ट होती है ना, जेल भी सॉफ्ट होता है, तो इस वो कौन सा मटेरियल कहलाता है? सॉफ्ट मटेरियल। अब हम बात करेंगे सोल्यूबल की। सोल्यूबल क्या होता है? ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुल जाता है। पानी में कौन सा घुलता है? सॉल्ट, शुगर। जो चीनी है और जो नमक है, वो दोनों क्या पानी में घुल जाते हैं ना, जो पानी में घुलता है वो क्या कहलाता है? सोल्यूबल। अब हम बात करते हैं इनसोल्यूबल की। इनसोल्यूबल क्या होता है? ए सब्सटेंस विच नॉट डिजोल्व इन वाटर, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, वो क्या कहलाता है? इनसोल्यूबल। जैसे कि सैंड, ऑयल एक्सेट्रा। क्या मिट्टी है, वो पानी में घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी ना,
ऑयल है वो पानी में नहीं घुलेगा, ऑयल क्या ऊपर ही तैरेगा, है ना, उसको क्या कहते हैं पर इनसॉल्युबल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं लस्टर की। लस्टर क्या होता है? ए साइन ऑन द सरफेस ऑफ सम मटेरियल, जो चमकता है, जो चमकता है वो क्या कहलाता है? लस्टर। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड जो सोना होता है, सिल्वर चांदी वो चमकती है ना, तो वो क्या कहलाती है? लस्टर। और एक होता है नॉन लस्टर, नॉन लस्टर वो होता है जो चमकता नहीं है, जैसे कि स्टोन पत्थर कभी चमकता है ना, नहीं चमकता, वो क्या कहलाता है? नॉन लस्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ए सब्सटेंस विच पार्टली एलो द लाइट कैनॉट पास। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से लाइट क्या करती है? पास हो जाती है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर साफ पानी, उसके अंदर से आपको आर पार दिखता है ना, और ग्लास जो कांच के ग्लास होते हैं उसके अंदर से आपको दिखता है आसपास, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। अब हम वापस से पढ़ते हैं। ए सब्सटेंस विच पार्टली एलो द लाइट पास। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट क्या करती है? पास हो जाती है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि फ्रेश वाटर साफ पानी होता है, उसके आर पार दिखता है अपन को, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। ग्लास के आर पार भी, तो इन सबको अपन क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ओपी की। ओपी क्या होता है? ए सब्सटेंस थ्रोज विच लाइट कैनॉट पास। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट क्या करती है? बिल्कुल भी पास नहीं होती, वो क्या कहलाता है? ओपी क्यू। वुड, वुड के अंदर से क्या अपन को बाहर कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, बुक के अंदर से नहीं दिखता, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ओपी क्यू। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट। क्या होता है ये ट्रांसप्लांट? ए सब्सटेंस विच पार्टली अलाउ द लाइट टू पास थ्रोज। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट जाती है, थोड़ी बहुत जाती है, नहीं जाती वैसे, उसके एग्जांपल क्या है? पेपर। पेपर में से अपन को दिखती है और उसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास करती है और बाकी की लाइट पास नहीं करती, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसक्यूलेंट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।